जीवन काल के अंदर इस यात्रा को, अहंकार की यात्रा को तोड़कर प्रेम की यात्रा प्रारंभ नहीं की तो स्ट्रैटा वन में जीवन समाप्त हो जाए। कर्म को भी तोड़ना है, अहंकार को भी तोड़ना है, तभी ये सर्कुलर रेफरेंस खत्म होगा। कर्म कर्ता भाव अहंकार को बढ़ावा दे रहा है और अहंकार है इसलिए कर्ता भाव। सबसे बड़ा जो मूल आधार है ना, वो मूल आधार शुरू भी प्रेम से होता है, उसका मार्ग भी प्रेम है और प्रेम ही प्राप्ति है। उसका द्वार भी प्रेम है, मार्ग भी प्रेम है और प्राप्ति जो अंत में होने वाली है वो भी प्रेम। अगर आप अपने जीवन में देखो या फिर पूरी की पूरी मनुष्य जाति को देखो, सो प्रेम से ज्यादा प्रेशियस, प्रेम से ज्यादा बोला गया शब्द कोई नहीं। लेकिन बहुत कम ऐसे फॉर्चुनेट लोग होंगे जो प्रेम से परिचित होंगे। तो पहली शर्त यह है कि जो आदमी अपने अहंकार को मिटाने के लिए विलिंग है वही केवल प्रेम को उपलब्ध हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम पूरा जीवन अहंकार को ही भरने के लिए बैठे हैं, अलग अलग तरीकों से, धन से, यश से, पद से, ज्ञान से, और यहां तक कि त्याग से भी हम अहंकार को ही भरते हैं। जीवन की सारी दिशाएं, सारी डायरेक्शंस हमें सिर्फ एक ही काम करते हुए दिखते हैं, हर दिशा कि मैं अपने किसी तरीके से अपने मैं को मजबूत कर लूं। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि मैं से बड़ा असत्य इस जीवन में कुछ नहीं, मैं से बड़ा झूठ नहीं। और यदि स्ट्रैटा वन में मेरा पूरा जीवन उस मैं को मजबूत करने में जा रहा है तो मैं प्रेम भी सिर्फ उस मैं के लिए कर रहा हूं। मैं एकदम असत्य। आज जो श्वास आप अंदर ले रहे हो ना, कुछ मिनट पहले वो श्वास भी किसी और की थी। हर सांस को हम शेयर कर रहे हैं घर में रह के, इस संसार में रह के। आपके शरीर में जो ब्लड फ्लो कर रहा है या रक्त बह रहा है वो कुछ घड़ी पहले किसी पेड़ का रस था, वृक्ष का रस था, वृक्ष के ऊपर लगा हुआ फल था। जो भी आप इस समय जिसको अपना मान रहे हो वो किसी और से उधार लिया हुआ है और उसको ही वापस चला जाए। किस मैं की बात कर रहा हूं मैं? हमारा होना सबके होने पर निर्भर है, तो कैसे हम कहें कि मैं हूं? अपने मैं की अलग घोषणा, अलग अनाउंसमेंट इटसेल्फ अज्ञान है। लेकिन अगर ध्यान से देखें ना तो उसी घोषणा पर हमारा सारा जीवन चलता है। हम जो भी करते हैं हम मैं को ही बढ़ावा देने के लिए करते हैं, हम इसके अलावा कुछ और करते ही नहीं। क्योंकि मैं से बड़ा कोई असत्य नहीं है इसलिए सारा जीवन ही असत्य हो जाता है।